स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। बिहार में जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, इस बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं सामने कि लॉकडाउन बढ़ाने के वजह से संक्रमितों की संख्या अब घटने लगी है। इसी बीच हम अभी मौजूद हैं सिवान शहर के जेपी चौक पे। जेपी चौक बड़ा चहल पहल वाला एरिया होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जेपी चौक की तस्वीर है। पूरी दुकानें बंद हैं, जो गाइडलाइंस जो है उस गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और ख़ासतौर में जो लोग भी बिना वजह लोग नहीं निकल रहे हैं, सन्नाटा सा पसरा हुआ है, ज़्यादा लोग सड़कों पे नहीं हैं, बिना वजह लोग नहीं निकल रहे हैं। आपको बताएं कि इधर बवनिया मोड़ पड़ता है, उस वहाँ भी पुलिस प्रशासन मौजूद है, बैरिकेटिंग है। आगे गोपालगंज मोड़ यानी कि मुफस्सिल थाना के समीप जो है वहाँ भी बैरिकेटिंग लगाया गया है, वहाँ भी पुलिस लोगों की पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही लोग अंदर आ रहे हैं। आपको बताइए, जो लोग दिख रहे हैं ये बिना वजह मार्केट में नहीं आए हुए हैं, क्योंकि जिनके पास नहीं है या फिर दवाई की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई दवा का पुर्जा नहीं है, उन लोगों को ना ही गोपालगंज मोड़ के तरफ से यानी मुफस्सिल थाना के समीप जो बैरिकेटिंग किया गया है, ना ही उधर से इधर आने दिया जा रहा है और ना ही बबुनिया मोड़ से। जो लोग सिवान आने वाले हैं उनको बताएं कि लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ाई गई है, इस बीच पुलिस प्रशासन जो है और सख्त हो गई है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जेपी चौक की। ये जेपी चौक की तस्वीर है जो कि हमेशा से ही यहाँ चहल पहल रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं बिना वजह लोग नहीं घूम रहे हैं। इधर डाइट सेंटर बनाया गया है, डाइट में एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर के डेडिकेटेड कोविड सेंटर में जो लोग जा रहे हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी चौक से। जेपी चौक सिवान का एक ऐसा चौक है जहाँ पे हमेशा ही भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जगह जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, बिना वजह लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपको बताएं कि न्यूज़ इंडिया तक की टीम भी आपसे अपील करती है कि बिना वजह आप बाहर ना निकले। कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकार और प्रशासन का आप भी अपना सहयोग करें। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरा पर्सन ताबिज के साथ। फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।